एक बहसी दरिंदे ने किया रिश्ते को शर्मसार, भतीजी पर बुरी नियत रखने वाले चाचा ने की गला दबाकर भतीजी की हत्या। लाश को बक्से में बंद कर फरार हुआ चाचा चढ़ा पुलिस के हत्थे। सनसनीखेज यह मामला मंगलवार को जनपद सुल्तानपुर नगर कोतवाली के एमिलिया खुर्द गांव का है, जहां एक किशोरी का शव उसी के घर के भीतर एक बक्से में बंद मिला। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की तो मामले का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक नाबालिग लड़की का शव उसके घर में अंदर रखे एक बक्से से बरामद किया गया। इस संबंध में शव को कब्जे में लेकर और परिजनों से काफ़ी जानकारी करने पर यह मालूम हुआ कि उसका एक पटीदारी का चाचा, जिसका नाम सत्यनारायण कोरी, पुत्र स्वर्गीय रामजी आमन कोरी, उम्र लगभग 38 वर्ष है, वह इस लड़की पर बुरी नज़र रखता था। शराबी किस्म का था तथा अक्सर इसके साथ जो है छेड़छाड़ किया करता था। आज घर में अकेले पाकर उसने जो है इसके साथ कुछ छेड़खानी का प्रयास किया और असफल होने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। साथ ही उसके शव को बक्से में बंद कर दिया था जो और ताला लगाकर भाग गया था। परिजनों को शक होने पर उन्होंने बक्सा खुलवाया और उसमें मृतका का शव बरामद करने होने पर पुलिस को सूचना दिया। पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए शव को पंचायतनामा के लिए भेजा गया तथा शीघ्र कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आरोपी द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया है। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। घटना को लेकर एक्शन में आई पुलिस ने फरार आरोपी सत्यनारायण कोरी को सेमर घाट के पास से गिरफ्तार कर लिया और विधिक कार्रवाई की।